हाँ जी सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो आज अपने एक न्यूज करेंगे, ये न्यूज में आप देखोगे राजीव कुमार, ये अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। यहां पर भी ये मीटिंग में है। अब ये कौन सी मीटिंग है, यहां पर लिखा है ए वेब, तो ये ए वेब क्या है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ए वेब का है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का है। अब ये जो मीटिंग है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, ठीक। अब इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में राजीव कुमार साहब भाग लिया, पार्टिसिपेशन किया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इस पे जवाब देना है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये मीटिंग हुई कहां पे, ये मीटिंग हुई है कोलंबिया में। कोलंबिया में एक जगह है कार्टेजेना, कहां पे, कार्टेजेना, कहां पे ये मीटिंग, कोलंबिया में एक जगह है। किसकी मीटिंग हुई है, ए वेब की। ए वेब मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की ये मीटिंग हुई है कार्टेजेना में। कार्टेजेना कहां है, कोलंबिया में। कोलंबिया कहां है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये मैप देखिए, साउथ अमेरिका में ये देश कोलंबिया, यहां पे कार्टेजेना है कैरेबियन सी के ऊपर। इधर कौन है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है, कार्टेजेना नहीं है, कोलंबिया की कैपिटल है बोगाटा। क्या है, बोगाटा, बोगाटा, अरे बोगाटा का पूछे तो याद रखना कि कोर्डिलेरा जो ओरिएंटल है उसके ऊपर उस पर्वत श्रेणी पे कौन है, बोगाटा है। आपसे यह भी कोई क्वेश्चन पूछे कि कोलंबिया की पड़ोसी कंट्री कौन कौन है, नाइबर कंट्री, तो वेनेजुएला ऊपर है, नीचे इधर कौन है, ये पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, चिली हो गई, तो इनका आपको मैपिंग में देखना है। दूसरा कोलंबिया के बाउंड्री में आप देखो इधर कौन है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है और पेरू है। तो कितने देश लगते हैं, एक दो तीन चार देशों की इसकी बाउंड्री लगते हैं, चार तो ये और एक ऊपर इधर पनामा, पनामा की इसकी बॉर्डर बाउंड्री लगती है। तो अब क्वेश्चन वापस यही है कि ए वेब की एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कहां पे होती है, कार्टेजेना में। इसकी थीम क्या थी 2023 की, थीम है ग्लोबल व्यू। थीम क्या, ए ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंज ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023, ये थीम थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इसमें राजीव कुमार ने पार्टिसिपेट किया, हाँ पार्टिसिपेट किया। मीटिंग कहां पे होती है, कार्टेजेना में होती है, कोलंबिया में होती है। कौन सी मीटिंग है, 11th मीटिंग है, 11वीं इसकी मीटिंग है, किसकी, ए वेब की। इसी ए वेब फोरम के बारे में राजीव कुमार साहब का एक स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट यह है कि के जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो आजकल अगर नैरेटिव आ रहे हैं कौन से, इलेक्शन को डीरेलिंग करने के लिए, किसके लिए, फेक नैरेटिव मार्केट में, फेक नैरेटिव डीरेलिंग इलेक्शन इंटीग्रिटी अक्रॉस द ग्लोब, इनका बोला कि इनका फेस करने का सामना करने के लिए इलेक्शन किन को प्रॉब्लम आ रही है, ईबीएम्स की। ईबीएम्स का मतलब क्या है, इलेक्शन मैनेजमेंट बोर्ड्स है, जो बॉडीज है, बोर्डनी बॉडीज है, उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। इस इश्यू पे ये बातचीत हो रही है, कहां पे हो रही है, ए वेब में, मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इनको सामना करना पड़ रहा है। अब हमें यह जानना है कि यह है क्या, बैकग्राउंड देखना है, ए वेब का बैकग्राउंड क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये ए वेब क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज क्या है। देखो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एक समूह है, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, उसी तरह एक समूह है, बैंकों का समूह है, कितने देशों का साथ में, इसमें टोटल 110 कंट्री है, 110 देशों के इलेक्शन बॉडीज का क्या है, एक समूह है। इसके अंदर 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज पार्टिसिपेट कर रखी है। तो आपसे कोई पूछे तो क्या है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट में, इसका पार्ट अपना हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन भी इसका पार्ट है। अब इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना होती है 2013 में, किसकी, ए वेब की। फुल फॉर्म पूछे तो बता देना, ए वेब नाम किसने दिया, देखो इसकी स्थापना होती है साउथ कोरिया, इसका ड्राफ्ट या प्रपोजल लेके आता है, कौन लेके आता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, फर्स्ट प्रपोज किसके लिए, ए वेब के लिए, मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के लिए। अब ये ए वेब नाम किसने दिया था, ये ए वेब नाम हमने दिया है, मतलब हम इंडिया का इलेक्शन बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन है, उसने नाम सजेशन में दिया था। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आगे कि जो ए वेब है ये काम कैसे करता है, अभी किसकी मीटिंग हुई थी, देखो ए वेब के तीन बॉडीज है, फर्स्ट बॉडी है जनरल असेंबली, कौन सी है, जनरल असेंबली, दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरी है सेक्रेटरी बॉडी, तो तीनों के काम अलग अलग है। जो जनरल असेंबली है इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, तो अब तक कितनी मीटिंग हो चुकी है, ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ,
अब तक 5 मीटिंग हो चुकी है किसकी, जनरल असेंबली की, जबकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसकी मीटिंग हर साल में एक बार होती है, साल में एक बार होती है। अभी मीटिंग कौन सी हो रही थी, 11वीं मीटिंग है, कहां पे हो रही है, कार्टेजेना में, कोलंबिया में इसकी मीटिंग हुई है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 10 मेंबर का है, 10 मेंबर का है, इन मेंबर का सिलेक्शन कौन करता है, जनरल असेंबली ही इनका चुनाव करके इनका सिलेक्शन करता है। जनरल असेंबली की मीटिंग साल में, दो साल में एक बार होती है, ये अपना डिसीजन लेती है जनरल असेंबली। अब आते हैं तीसरी सेक्रेटरी, तो उसका सेक्रेटरीट क्या काम करेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, वो कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। अब सेक्रेटरी का आप देखोगे, इसका सेक्रेटरी का हेडक्वार्टर कहां पे, आपको कोई पूछे कि ए वेब का सेक्रेटरीट कहां पे है, तो वो है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में आपको कोई बोल दे सियोल, तो आप डायरेक्ट सियोल लगो, सियोल नहीं है, सोंगडो है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सोंगडो कहां पे, तो सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, तो सोंगडो यहां पे, जस्ट सियोल के आगे देखोगे सोंगडो यहां है, कौन है, सोंगडो, सोंगडो। अब एक चीज, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है, 38 पैरेलल, मतलब 38 डिग्री अक्षांश। अब आपसे हेडक्वार्टर पूछा, सेक्रेटरीट का इसका हेडक्वार्टर बता दिया, तीनों चीजें हो गई। अब इस साल चेयरमैन कौन है, जनरल असेंबली और एग्जीक्यूटिव बॉडी का चेयरमैन एक ही होता है, इस बार के चेयरमैन है साउथ अफ्रीका के इलेक्शन कमिश्नर, कौन, मोसोथो मोसापे मोसोथो, इसके क्या है, चेयरमैन है। चेयरमैनशिप जो चेयरमैन रहेंगे वो, चेयरमैन का टाइम पीरियड है 2 साल, इससे पहले चेयरमैनशिप थी इंडिया के पास में। अब जनरल असेंबली का भी 5 मीटिंग हुई, अब आपसे कोई पूछे जनरल असेंबली की 4th मीटिंग क्या इंडिया में हुई थी, हाँ 4th मीटिंग इंडिया में हुई थी, 2019 में हुई। और आपसे पूछे जनरल असेंबली की मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, तो 2019 में कहां पे हुई, बेंगलोर में, इंडिया में होती है। अब 2019 के बाद में 2 साल एड के 2022, तो नवंबर के, 19 नवंबर के आसपास 2022 में साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग होती है, किसकी, 5th जनरल असेंबली की। उसके हेड कौन थे, चेयरमैन राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चेयरमैनशिप थी किसकी, ए वेब की, किसकी थी भाई, ए वेब की थी, समझे, मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी के ये क्या थे, चेयरमैन थे। लेकिन अब कौन है, साउथ अफ्रीका के इलेक्शन कमिश्नर। अब जो ये मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में हुई, फर्स्ट टाइम हुई साउथ अफ्रीका में, कहां हुई, केप टाउन। अब मैंने जैसे केप टाउन नाउन लिया, केप टाउन क्या, कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन। कौन सी कैपिटल है, ये कैपिटल है लेजिस्लेटिव कैपिटल साउथ अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, ठीक है। इसकी 3 कैपिटल है, एक है केप टाउन, ये क्या है, लेजिस्लेटिव, जैसे अपनी लोकसभा संसद बैठती है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट भी अपना दिल्ली में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पीएमओ का भी आवास वगैरह जो भी कार्यालय वगैरह है दिल्ली में, तो अपनी कैपिटल एक है दिल्ली। यहां की जुडिशरी बॉडी है बोमफेड में, कौन से, बोलेमफेड, बोलेम फोन्टेन, यह कौन से, इसकी जुडिशरी की राजधानी। दूसरा इसका पूछे, अगर एग्जीक्यूटिव कार्यकारी राजधानी आपसे कोई पूछे तो आपसे क्या देना है, नाउ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, तो तीनों कैपिटल याद कर लेना साउथ अफ्रीका की। अब साउथ अफ्रीका के बीच में देखो मैप में, आप देखोगे यहां 2 देश है, यह है स्वाजीलैंड, तो स्वाजीलैंड का इतना याद रखना, स्वाजीलैंड का 2018 में नाम बदल के क्या नाम कर दिया है, इस्तवानी, इस्वातिनी, इसका नया नाम है स्वाजीलैंड का, ठीक है। और स्वाजीलैंड की आपको कोई कैपिटल पूछे तो क्या बताओगे, मेम्बाने। ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के बीच में, एक और देश है जो मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका की सीमा के ऊपर है, वो है लिसोथो, जिसकी कैपिटल है माशेरू, लिसोथो, ये देश है, कौन सा देश है, लिसोथो, इसकी कैपिटल है माशेरू ना। अब आपसे क्यों क्वेश्चन पूछे बता देना, एवीएब की 5th जनरल मीटिंग साउथ अफ्रीका में, एग्जाम पूछे चेयरमैनशिप किसके पास थी, इंडिया के पास, जनरल की, जबकि एग्जीक्यूटिव 11th कहां पे हुई, कार्टेजेना कोलंबिया में हुई है। अब जो ए वेब है ये है क्या, देखो ए वेब का पहले लोगो देखो, आप ए वेब का ये लोगो है, इस लोगो का कलर क्या है, नेवी ब्लू कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रिप्रेजेंटेशन करता है, देखो डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी थ्रू क्लीन एंड फेयर इलेक्शन, कि इलेक्शन कराना है क्लीन एंड फेयर कराना। दूसरा इसका बी वर्ड देखो, इसमें ग्लोब दिख रहा है बी वर्ड में,
ठीक है, इसका जो लोगो के साथ बी वर्ड में आप देखोगे, इंक्लूड द शेप ऑफ द ग्लोब, ग्लोब की शेप है, मीनिंग ऑफ द हार्मनी यूनिटी अमंग द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की यूनिटी बी वर्ड में दिखाई गई है। ठीक, अब इसका एक ये फेयर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इसका लोगो से भी आप समझ जाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको आगे लिखवाना है तो। अब कि ए वेब आया, इसकी वजह क्या थी, क्या काम करता है, देखो आज से लगभग 20 साल पहले, ठीक 20 साल पहले इलेक्शन का मतलब यह था, अगर टीएन सेंसन का टाइम दौर देखे 30 साल पहले, इलेक्शन का मतलब था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सफिशियंट था डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्शन को। देर वॉज ए टाइम वेन द टू कीवर्ड फ्री एंड फेयर सफिशियंट टू डिस्क्राइब द गुड इलेक्शन, लेकिन अब इलेक्शन में बहुत चीजें आप सामना करोगे, इसमें तीन चीजें और आई है, क्या क्या आई है, इंक्लूसिवनेस मतलब सहभागिता, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता कितनी है, सॉरी पार्टिसिपेटरी सहभागिता, इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसी, तो इन चीजों को लेते हुए इन तीन शब्दों को भी आप जोड़ोगे, ठीक है, कौन सी, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट है, सहभागिता वगैरह इन चीजों को देखोगे। अब ये तीन चीजें और नहीं ऐड हो सके, इन्हीं को रन कराने से क्या होगा, अगर डेमोक्रेसी अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन का आइडिया थ्रू फ्री एंड फेयर का तभी आएगा, इसी के लिए ए वेब है। ए वेब मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी, स्थापना 2013 में होती है, आपसे क्वेश्चन पूछे, सियोल में इसका स्थापना होती है, सोंगडो इसका हेडक्वार्टर है। अब ये काम क्या करती है, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है जिसके मेंबर है 119 बॉडीज, तो ये इनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, किसके स्टडी वेक्यूरियस इलेक्शन जो सिस्टम है, डिस्कस करेगी उनके इश्यू पे, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, कौन, जितने भी इलेक्शन कमीशन है 119 मेंबर है, किसके, एडब्ल्यू के, ए वेब के। दूसरा, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी दिया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्शन मैनेजमेंट, किसके, लैंड द इंटरनेशनल, वो भी दिया जाएगा। अब जितना भी अगर कोई एक्सपर्ट है, इनको शेयर ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज होगा, मान लो यूएस का है, अगर अफ्रीका का है, वो आपस में शेयर करेंगे क्या, नॉलेज अपना आपस में एक्सपर्टीज के साथ शेयर किया जाएगा। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि इंडिया को क्या मिला, तो इसका भी आप जवाब दे देना। ठीक, इसी के साथ खत्म, जय हिंद जय भारत।